और आप सब अच्छे हो? आप सब अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कहाँ जा रहे हो आज आप? नानी पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलो दिखाती हूँ मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो आगे चल के दिखाऊंगी। और ये देखो आरव, खुशी और आरव, खुशी हाय करो। हाय गाइस। इसको देखो, ये पीछे बैठी हो, दोनों आगे बैठे हैं। तो गाइस दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये रास्ता बहुत हरा भरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सड़क बीच में है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है ना, तो मुझे बहुत अच्छा रास्ता मतलब रास्ता लगता है। ये देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ कतई रास्ते में झुकाव दे रहे हों। तो गाइस चलो मैं आपको सेल्फी पॉइंट दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से इस सेल्फी पॉइंट से ना सारा सोना दिखाई देता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। और गर्मियों में तो यहाँ पे गन्ने का जूस वाला खड़ा रहता है, क्योंकि पता है उसको यहाँ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग आएंगे। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको सेल्फी पॉइंट। तो चलो गाइस आने वाला है, वहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है। तो गाइस ये देखो, ये खड़े हैं सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर, ये सेल्फी पॉइंट है। तो गाइस देखो, हमारे वहाँ पे तो रिमझिम रिमझिम थी, और यहाँ पे देखो तावड़ों में कितनी तेज बारिश है। हमारे वहाँ तो राम जी रिमझिम रिमझिम करता रहता है, और यहाँ पे देखो कितनी तेज बारिश है। बहुत अच्छा मौसम हो गया था एकदम, बहुत अच्छा। देखो गाइस बहुत तेज आगे आगे बहुत तेज बारिश होती जा रही थी, एकदम ठंडा मौसम हो गया था, बहुत मजे आ रहे थे एकदम। वैसे बारिश में सफर करने का मजा ही कुछ और होता है ना। तो गाइस ये देखो, ये बोर्ड आ गया है हमारे एरिए का। अब आप इसे देखकर समझ जाना कि मैं कौन से शहर से हूँ, कौन से जिले से, जो भी है देख लेना आप। समझ गए होगे आप मैं कहाँ से हूँ। तो अब हम घुस चुके हैं अपनी भिवाड़ी में। तो गाइस मैं भिवाड़ी से हूँ, और गाइस ये आ चुका है हमारे 7 सेक्टर का चौक, जिसुक चौक शायद नाम, पहले इसका नाम कैप्टन चौक था, अब शायद इसका नाम क्या हो गया, जिसुक भगत चौक। ये देखो, ये अब एंट्री हो रही है हमारे सेक्टर में, सेक्टर 7। ये देखो कितने प्यारे प्यारे घर हैं, ये देखो कितनी अच्छी कोठी बन रही है। तो प्रवेश सेक्टर 7। तो गाइस ये देखो, ये मेरे मामा के बच्चे हैं, ये मेरे मामा का घर है यहाँ पे। ये मैंने बुला लिए थे वहाँ पे, बच्चों के लिए कुरकुरे चिप्स लिए थे ना, तो वहीं पे बुला लिए थे मैंने। तो गाइस फाइनली हमारा घर आ चुका है, चलो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मेरे ताई जी ताऊ जी हर की गाय हैं, और वो देखो टेम्पू खड़ा है हमारा। ये यहाँ पे इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ पे घर बन रहा है हमारा, न्यू घर यहाँ पे। और ये हमारा टेम्पू है, कुंज दायमा लिख रहा है इस पर, और गाड़ी रुक गई। और फाइनली ये देखो, ये हमारा घर आ चुका है भाई। अपने घर जाने की खुशी तो खैर सबको ही होती है। तो गाइस ये देखो, ये हमारा घर है, और देखो हमें लेने के लिए बाहर कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं है यहाँ पे। देखो चलो कोई नहीं, खुद ही अंदर जाना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं। ये देखो छोटी सी पिलिया, देखो यहाँ पे कोई नहीं है, देखो कोई भी नहीं है।
ये देखो ये बैठी है बड़ी दीदी, वो भाभी है, ये कसम से बात है, ये मम्मी है मेरी। ओके गाइस, गाइस ये मेरे पापा थे। मैं पीटता है मेरे पापा मुझे बहुत जोर जोर से मार भैया। मेरे पापा इसे ऐसे ऐसे पीटता है, कह दे तो गाइस इनको बच्चों को देखो, कुछ आदि वो मम्मी बड़ी दीदी हैं, ये बड़े वाले भाई की गाड़ी है, ये हमारा घर है। देखिए कपड़े लगा दिए, भगा भाग जमी तो पूरा लग रहा है। मम्मी दिखाना, अब हाल उठा रहे हैं ये भाई साहब आ गए। थारा कुछ दिख तो है ना, क्या बन रहा है, क्या देख रहे तुम, अपनी पीछे बना रही मम्मी तुम, मेनू कहे मेरे तक। तो गाइस इसको देखो, शीतल शीतला मत दिखा दे, थूत है सीमा शीतल मारे सिम रैप्टो मारे फोन खोस क्या को। तो गाइस इस सर मारी है और इसको देखो ये गोदी मांग रहा है। तो गाइस ये मैं भाभी से अपना फोटो शूट करा रही थी ईद की वीडियो, मेरी वीडियो बनाना मैं कैसी लग रही हूँ, और वो मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ देखो। तो गाइस फाइनली मैं बुआ के आ चुकी हूँ, ये बुआ का घर है ऊपर छत का, तीसरी मंजिल पे हम, और ये देखो बाहर का व्यू कितना अच्छा है, ये देखो ये साईं बाबा का मंदिर है, और ये देखो इधर इधर साइड हमारा घर है। हाँ बेटा, आठ सेक्टर में रहती है, हम सात सेक्टर में रहते हैं, क्योंकि बुआ का पोता हुआ था तो उनकी छठी थी इसलिए हम आए थे। ओके गाइस, छठी पूजनी थी ना इसलिए आए थे हम। तो गाइस देखो यहाँ पे डांस हो रहा था, गाना चल रहा था, कौन सा, मेरी एडी की धमक डोडो रीजो रसिया। तो गाइस ये पीले ओने में, ये देखो इधर मेरी मम्मी है, ये वाइट सूट वाली लड़की के पास है जो ये ग्रीन सूट में, और पीले ओने में मेरी मम्मी है। यहाँ पे बहुत इंजॉय किया था हमने, बहुत डांस किया था, मैंने इसकी वॉइस बंद कर दी है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसकी वॉइस, ये मेरी मम्मी है। देखोगा हमने बहुत इंजॉय किया था, बारिश आ रही थी लेकिन लग नहीं रहा था कि बारिश भी आ रही है, खूब बहुत मन लगा था, मेरा तो आने का मन नहीं था पर क्या करें, आना तो था ही भाई। सब बहुत अच्छे डांस कर रहे थे एकदम, मेरी मम्मी बहुत बड़ी डांसर है, हारती नहीं बिल्कुल भी, कभी तक न चालो, कभी कैसे ही न चालो, नागिन डांस, सपेरा डांस, डांस ही डांस, बस पूछो मत। तो गाइस ये देखो मेरा डांस, ये मोटो वाला गाना चल रहा था इतने बंद कर दिया, हाय रे मेरी मोटो चल रहा था बंद कर दिया उन्होंने, बस दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बुआ के लड़के का ही डीजे है ना, उन्होंने भी लिया था ये 25 लाख का, मतलब खुद ने ही बनवाया था अलग से पिकअप अलग से डीजे, और ये देखो ये हम यहाँ पर नाच रहे हैं। गाना कौन सा चल रहा था पता नहीं, याद नहीं है, तो देखो फुल एंजॉय किया था, मुझे भी कितने ना चलो भाई, हारती तो मैं भी नहीं हूँ। वो है वो वाला गाना है, लूड लूड नाचे हमारी बीनदिनी, हाँ आ गया याद। तो गाइस ये देखो ये गाना चल रहा था, चुन्नी में चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ चुन्नी में, तो इसमें ये देखो मेरा डांस, बहुत तेज बारिश हो रही थी पर रुकना क्यों था, डांस करना था। ये देखो ये बुआ मेरी पीले होने में ये दीदी को खींच के डांस के लिए नचाने के लिए कह रही है, पर वो कहाँ नाचने वाली है इतनी जल्दी, वो तो अकेले में नाचने वाली है।
ये बुआ मेरी ये खड़ी है जो यहाँ पे चुन्नी सेट कर रहे हैं। बढ़िया, बहुत मन लगा था एकदम। तो गाइस अब हो रहे हैं 5:15। तो जैसा कि आपको पता है, मैं कल अपनी बुआ के वहाँ पोता हुआ है, उनकी छुट्टी में गई थी, बहुत थक गई थी। तो सुबह से तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत बारिश आ रही थी, एक तो थोड़ा बहुत काम किया, झाड़ू पोछा, खाना पीना करके मैं सो गई थी। और अब उठी हूँ और उठ के मैंने मशीन लगाई, कपड़े वड़े थे बहुत सारे, मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने उठ के मशीन लगाई थी, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो मैं अब व्लॉग शूट कर रही हूँ, देखो कपड़े धोए मैंने इतने, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये कपड़े धोए, ये भी पानी मछली निकालने बच रहे हैं। मिठा ले लो, आप ले लो। तो गाइस मौसम भी अच्छा हो रहा है, इसको देखो। मम्मी बाहर गोबर डालने जाती है तो मम्मी की चुन्नी पकड़ के ये कह रहा है कि आप पूछ पकड़ के जाऊंगा, तो पूछ पकड़ के जा, मम्मी मतलब पूछ नहीं, मम्मी की चुन्नी पकड़ के जाता, चुन्नी पकड़ के आता है। ओके गाइस, तो बताना कमेंट में मेरा डांस कैसा लगा आपको। ओके मिलते हैं, चाय पीनी है तो आ जाओ। इस मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो ना, जब जब ढंग तो बरसे ना, चिम 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 रिम झिम रिम झिम सी करते रहे, बस मौसम सही हो रहा है वैसे, पर हमारे के पास लाइट पहली भगे है। तो गाइस अब मैं कपड़ों को निकालूंगी, मेरी पाइप चल चुकी है, देखो चलो दिखा। तो गाइस अब मैं देखो आपको दिखाऊंगी, मैं कपड़े निकालूंगी, अब मैं यहाँ पे बाल्टी एक ही, तो मैं बाल्टी लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि एक मैं कपड़े निकालूंगी तो कपड़े किस में रखूंगी, इसलिए मैं बाल्टी लेने चली गई थी। तो वैसे मैं बाल्टी लेके आ चुकी हूँ और मैंने देखा कि वाइफर आ रहा है आगे, तो मैं वाइफर को हटाने के लिए आ गई यहाँ। तो अब मैं चलो दिखाती हूँ आपको, कपड़े निकालती हूँ, ये मैं कपड़े निकाल रही हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा, कपड़े निकाले जल्दी जल्दी, फिर इनको सुखाना भी था मशीन में, वैसे तो इनमें फिर बदबू हो जाती, पापा आ गए थे बीच में, इसलिए मुझे घूंघट करना पड़ा थोड़ा सा बस। तो ये देखो बस मेरे कपड़े निकल चुके हैं, मतलब मैं पहले पाइप से ऐसे थोड़ा सा छिड़क के, ताकि मैं वाइफर से साफ कर सकूं, पहले पाइप बंद करूँगी ताकि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, बंद कर दें। और अब मैं मशीन के तार हटाऊँ क्योंकि ये करंट मारती है, ये फिर इसमें से सूखे कपड़े निकाल लिए ये मैंने, फिर इनको सुखाऊंगी थोड़ा सा रख दूंगी, क्योंकि इनको बाद में सुखाऊंगी, क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा था तो लाइट जा सकती थी, इसलिए मैंने पहले कपड़े डाले, ये कपड़े डाल के मैं मशीन के तार लगाऊंगी, क्योंकि मैं तार हटा के करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट मारती है। नहीं चलिए फिर दोबारा हटा के दोबारा लगाए, धीरे सोई का कपड़ा था ये मैंने मशीन में धोने के लिए डाल दिया। बारिश आ गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े उतारे क्योंकि बारिश आ चुकी थी। तो जल्दी जल्दी से सूखे सूखे कपड़े उतार के मैं अंदर रख के आई, वो उधर मम्मी आ चुकी थी, अंदर रख कर फिर मैं इसे हैंगर को लिया। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं ना तो काफ़ी हो जाते हैं, तो मैंने इसी हैंगर में छोटे छोटे बच्चों के जो जैसे आ रहा कि कच्ची चड्डी वड्डी हुई और इनके जुर्रा और रुमाल ये सब इसमें टांग दिए थे, और ये उधर टांग दिया था मैंने, और फिर इन कपड़ों को उतार के ये भी मैंने एक साइड कर दिए थे क्योंकि बहुत तेज बारिश आ गई थी। इन कपड़ों को सुखा रही थी, आधे कपड़ों को यहाँ पे सुखाऊंगी, आधे कपड़ों को गाड़ी के उस तरफ में मैंने डोरी बांध रखी है, वहाँ पर सुखाने जाऊँगी।
तो उस तरफ मैं डोरी बांध रखी है, तो अब मैं कपड़ों को उस तरफ भी सुखा दूंगी क्योंकि काफी कपड़े सूख चुके थे मेरे पहले ही। अब बारिश बहुत तेज आ चुकी थी, मुझे डर था कहीं वो ना चली जाए। तो गाइस देखो बारिश आ गई थी एकदम से, मुझे सारे कपड़े उतारने भारी हो गए। मैंने तो यहाँ से साफ किया था और बारिश ने फिर मटिया मेल कर दिया सारा। देखो बारिश आ रही है, मेरे सारे, वैसे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, सही है, मैंने सारे कपड़े टाइम से धो दिए, ये देखो। और कुछ तो सूख भी गए मेरे कपड़े, और कुछ उधर गाड़ी के उधर सूख रहे हैं। तो ठंडा मौसम हो गया ये देखो। तो गाइस कल आपको पता है मैं अपने घर गई थी, तो अपनी बुआ, मतलब आपको किसी से नहीं मिलवा पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे इतना। और अपने घर पे मेरा देख चुका होगा, तो मैं शायद रक्षाबंधन पे जाऊंगी तो मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। मम्मी पापा से तो मैंने आपको मिलवा दिया, मम्मी पापा भाभी, छोटी वाली भाभी प्रेग्नेंट है, उनके बच्चा होने वाला कभी भी हो सकता है, और बड़ी वाली भाभी भाई सबसे मिलवाऊंगी मैं आपको। अब तो मैं जल्दी में थी तो शायद मैंने ऐसे थोड़ा बहुत ही सूट किया, तो फिर दोनों बच्चे डट नहीं रहे थे बिल्कुल भी, किसी के पास ही नहीं जा रहे थे। तो गाइस मैं अगली बार जाऊंगी रक्षाबंधन पे तो आपको सबसे मिलवाऊंगी। ओके गाइस, तो अब इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, और मेरा डांस कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइस बाय। Yeah.